हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक में आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज ओपन हुआ था 202.8 के लेवल पे। ओपन होते ही स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया था, उसके बाद स्टॉक में तेजी आई और स्टॉक ने अपर सर्किट भी लगाया 224.1 के लेवल पे। आज अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम में स्टॉक में देखने को मिला है। NSE के डेटा के हिसाब से अराउंड 25 करोड़ शेयर का ट्रेडेड वॉल्यूम स्टॉक में आज देखने को मिला है। और आज स्टॉक में एक ब्लॉक डील हुई है, जिसके बाद स्टॉक में सर्किट खुल गया है। करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक 3.23% बढ़ के 220.35 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक में ब्लॉक डील से रिलेटेड क्या अपडेट है, ये स्टॉक इंडाइसिस से रिमूव कब होगा, क्या फ्रेश अपडेट आया है इस मैटर में, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक ग्रीन में आ गया है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ब्लूमबर्ग के डेटा के हिसाब से अराउंड 64.6 मिलियन शेयर की ब्लॉक डील हुई है 4 ट्रेड्स में। बट इस ब्लॉक डील में बायर और सेलर कौन है, अभी इनकी डिटेल नहीं आई है। जैसे ही बायर और सेलर की डिटेल आएगी, हम आपको इसके लिए भी अपडेट कर देंगे फ्रेश वीडियो बना के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो जो भी इन्वेस्टर आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक में बाय सेल करना चाहता है वो कर सकता है, बिकॉज अब इस स्टॉक में सर्किट ओपन हो गया है। एनालिस्ट जो भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक में जो डिक्लाइन आया है वो टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से आया है, ना कि फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बेंचमार्क इंडाइसिस से रिमूवल पे भी एक अपडेट आ जाया है। अपडेट ये है कि BSE लिमिटेड ने एक फ्रेश नोटिस में ये अनाउंस किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्टॉक को अब इंडाइसिस से रिमूव किया जाएगा सितंबर 1 को। अभी के हिसाब से 1 सितंबर 2023 को ये स्टॉक इंडाइसिस से रिमूव होगा, लेकिन ये रिमूवल फर्दर डेफर भी हो सकता है। ये रिमूवल डेफर हो जाएगा अगर ये स्टॉक कमिंग 2 डेज में लोअर सर्किट नहीं लगाता है, लेकिन थर्ड डे पे अगर ये स्टॉक लोअर सर्किट लगा देता है तब भी ये रिमूवल डेफर हो जाएगा। सो इस स्टॉक का रिमूवल बेंचमार्क इंडाइसिस से तभी होगा जब लगातार 3 दिन तक ये स्टॉक लोअर सर्किट ना लगाए। सो ये नोटिस है BSE लिमिटेड की तरफ से जो आया है। पहले स्टॉक का रिमूवल ट्यूसडे 29 अगस्त 2023 को होना था, अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है बाय अनदर 3 डेज। अब ये स्टॉक रिमूव होगा फ्राइडे सितंबर 1 2023 से S&P BSE इंडाइसिस से। एंड इस नोटिस में भी क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर अगले 2 दिन तक स्टॉक लोअर सर्किट नहीं लगाता है, लेकिन थर्ड डे स्टॉक लोअर सर्किट लगा देता है, तो ये रिमूवल फिर से डेफर कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के केस में। एंड अगर रिमूवल को दोबारा से पोस्टपोन किया जाएगा तो फ्रेश कम्युनिकेशन आ जाएगा BSE की तरफ से। सो अभी के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की इन बेंचमार्क इंडाइसिस से रिमूव होने की इफेक्टिव डेट है सितंबर 1 2023। इस दिन पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को इन इंडाइसिस से और इन इंडाइसिस से रिमूव किया जाएगा। सो ये लेटेस्ट अपडेट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।